सिख साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सिंह राशि वालों, मंजिल बुरा हो सकता है लेकिन मंजिल बुरी नहीं होती। दौर बुरा हो सकता है लेकिन जिंदगी बुरी नहीं होती, क्योंकि जब जिंदगी देने पर आ जाती है ना, तो वह छप्पर फाड़ के देती है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा है कि भाग्य और ग्रहों की प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूर्णता देते हुए भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है। अगर व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर न बढ़ता तो आज आपको विवेकानंद, शिवाजी राव, गुरु गोविंद जैसे महापुरुष, ईश्वरीय शक्ति वाले लोग नहीं मिलते, नरेंद्र मोदी जैसे तपस्वी प्रधानमंत्री नहीं मिलते। मित्रों, ये गुरु की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, यहाँ पर कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए तो इस नवंबर महीने में कुछ हटके होने वाला है। तो आइए जानते हैं, शनि जब कुंभ राशि में ही मार्गी होगी, सूर्य तुला राशि को छोड़ देंगे, शुक्र महीने के प्रारंभ में राशि परिवर्तन करेंगे, तो वह सिंह राशि वालों के लिए क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं, विस्तार से सुनते हैं, समझते हैं सिंह राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। सिंह राशि फल 2024 के अनुसार नवंबर का महीना बार राशियों के लिए जैसा रहे, लेकिन आपके लिए धन के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, करियर, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ एवं मस्त रहने वाला है, क्योंकि महीने के प्रारंभ से ही आप राजयोग से प्रभावित हो गए। ऐसे में आपको दो तरीके से लाभ मिलेंगे। पहला लाभ आपको अधिकारियों के सहयोग के रूप में मिलेगा। आप जिस कंपनी में कार्य करते हैं वहाँ पर बोनस के तौर पर आपको बेहतर लाभ दिया जाएगा, आपको धनराशि उपलब्ध होगी। तो दूसरी ओर पेट और जननांगों से संबंधित कोई समस्या यदि पहले से है तो वह अब अच्छी होती दिखाई देगी। अगर छाती के आसपास की कोई तकलीफ थी तो वह भी कम होगी, यानी कि आपके मन में रोग के प्रति, मृत्यु के प्रति जो डर बना रहता था वह अब खत्म होगा। क्योंकि जब ब्रह्मांड में राजयोग बनता है तो वह पूरे विश्व को प्रभावित करता है। ऐसे में जब वह आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में राजयोग बनता है तो वह आपके सुख को प्रभावित करता है, व्यक्तियों को जीवन देता है, खुशियां देता है। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में चतुर्थ भाव कानून संबंधित मामलों का कहा गया है, मकान और भूमि से संबंधित कहा गया है, व्यक्तियों को भौतिक सुख कितना मिलता है उसका बताया गया है, माता का सुख का बताया गया है, चल अचल संपत्ति का बताया गया है, यहाँ तक हृदय और दत्त पुत्र का भी स्थान बताया गया है। तो ऐसे में यह राजयोग आपको इनसे संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी देगा। इस समय में अगर आप पैतृक विवाद के साथ जूझ रहे हैं तो वहाँ पर आपको अधिकार दिलवाएगा। अगर आपका कोई संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति की दिशा की ओर आपके प्रयास सार्थक होंगे। इस महीने में धीरे धीरे ही सही आप मकान से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप अपनी पुरानी संपत्ति बेचना चाहते थे तो बेच पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप बाहर है और बेच नहीं पाएंगे, आप दूर शहर में होंगे, राज्य में होंगे, विदेश में भी होंगे, फिर भी एक मजबूत डील होगी, क्योंकि ग्राहक भगवान का रूप होता है और वही भगवान आपके लिए मदद कर सकता है। मित्रों, जीवन में प्रेम जब नहीं होता है ना तो हम हमेशा मायूस होते हैं, परिवार का साथ जब नहीं होता है तो हम भीड़ में भी अकेले महसूस करते हैं। लेकिन नवंबर मंथ आपको अपनों का साथ तो देगा, लेकिन जो जात अभी तक रिलेशनशिप में नहीं है या फिर किसी अपनों की तलाश में है उन्हें प्रेम देगा, जीवन साथी प्राप्त करवाएगा, किसी अपनों का सहयोग दिलवाएगा। मित्रों, शुक्र की वजह से इस महीने में अगर आपका साथी आपसे दूर भी है तो वह भी आपके काफ़ी नज़दीक आएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप उनसे मिलने अपने साथी तक पहुंच जाए। और वैसे भी नवंबर महीने में दूर जाने के योग बन रहे हैं, आपकी छोटी छोटी यात्राएं होगी, आप किसी बड़ी यात्राओं पर जाएंगे। बृहस्पति ग्रह आपकी कुंडली में दशम भाव में होने के कारण आपको विदेश में जाने का अवसर मिलेगा, या फिर आप विदेश में अपने जन्म स्थान पर भी जा सकते हैं, यानी कि कुछ यात्राएं होगी, पारिवारिक यात्रा भी हो सकती है,
मित्रों के साथ भी यात्राएं हो सकती है। बुध ग्रह चतुर्थ भाव में है, जो व्यापारी संगठनों के लिए बड़े संकेत दे रहा है। जो बड़े पदों पे है, जो बड़े नेता है, बड़े लीडर है, बड़े बड़े स्थान को चलाते हैं, वह इस समय अपनी सोच से, अपनी समझ से अकल्पनीय लाभ प्राप्त करेंगे। 13 नवंबर के बाद आप कारोबार के विस्तार को भी अमली जामा पहना पाएंगे। अगर आप नौकरी पेशा है तो आप नौकरी में बदलाव के लिए भी अच्छी जॉब का चयन कर सकेंगे, यानी कि यह मंथ करियर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपको एक ओर जहां से आय मिलती रहेगी तो आप दूसरे अलग अलग स्रोतों से धन कमाने की ओर न केवल कोशिश करेंगे, लेकिन वह कोशिशें आपकी सफल भी रहेंगी और वह कोशिश का फल आपको नवंबर में सफलता, खुशी, प्रेम के रूप में जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों, जब मंगल आपके 12वें भाव में होते हैं तो विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों को मालामाल करते हैं। जो जातक करियर की तलाश में भटक रहे होते हैं उन्हें नौकरी मिलती है। जो नौजवान योग्य डिग्री और काबिलियत के बावजूद भी दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं उन्हें नौकरी मिलती है। अगर आप सुख सुविधाओं की तलाश में थे तो आपको प्राप्त होती है। अगर आप कोई भागीदार ढूंढ रहे थे तो वो भागीदार मिलेगा। नवंबर में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने से आप मानसिक तौर पर भी काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। यहाँ तक इस महीने में आपको अपनों से भी कोई बड़ा सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। मित्रों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है, लेकिन जो विद्यार्थी है उन्हें कड़ी मेहनत करने की सलाह दी जाती है। और अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आप शांत अनुशासित होकर प्रयास जारी रखते हैं तो नवंबर मंथ आपको सबसे बड़ी गिफ्ट भी दे सकता है। मित्रों, हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा देता है, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली को जाने, कुंडली को समझे, विश्लेषण करें और जीवन में आगे बढ़े। सिंह राशि बल नवंबर 2024 में इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।